हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वह है बांग्लादेश के साथ। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है जो 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। ठीक है, भारत की जलीय सीमा 7,516.7 किलोमीटर है जो 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में है। देखिए, बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? 4,096.7 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो किस देश के साथ स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? वह है बांग्लादेश के साथ। देखिए, भारत के स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत के कुल स्थलीय सीमा कितना है? 4,096 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा 3,323 किलोमीटर है और नेपाल के साथ कितना है? 1,751 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुदई कनाल कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुदई कनाल कहाँ स्थित है? यह पलानी पहाड़ियाँ पर स्थित है। देखिए, पलानी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु पर स्थित है। इसका सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से 1800 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? तो किस देश के साथ यूरेनियम आयात नहीं करता है भारत? तो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है। देखिए, भारत परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन एक यूरेनियम को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे से आयात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध है जाथम सामिल आरामसिन भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए, चाथम शामिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चाथम द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण स्थानीय इमारती लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1883 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मछलियों में से कौन सी मछली समुद्री मछली नहीं है? तो रोहू मछली जो है वह समुद्री मछली नहीं है। देखिए, रोहू मछली भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। यह कार्प फैमिली से संबंधित है। यह मछली आमतौर पर नदियों में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? तो भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है कौन सा? दालें। ठीक है, देखिए, भारत मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद, अनाज इत्यादि कृषि उत्पाद निर्यात करता है। भारत लगभग $40 अरब के कृषि उत्पाद का निर्यात प्रतिवर्ष करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित है? तो जूट मिले किस राज्य में सर्वाधिक है? वह है पश्चिम बंगाल में। देखिए, दक्षिण एशिया में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में होता है। देखिए, अगला प्रश्न, गुजरात में स्थित पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है? तो पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है? यह भारत के पहला निजी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, पीपावाव भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1996 में निखिल गांधी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? निखिल गांधी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, अब विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। देखिए, अम्बासा नामक स्थान त्रिपुरा के धलाई जिले में स्थित है। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान पर कोयले के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। देखिए, कुचिकल झरना कर्नाटक के
शिमोगा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? शिमोगा जिले में। और इसकी कुल ऊंचाई कितना है? 1493 है, 1493 मीटर होगा। यह भारत की सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है गुजरात। देखिए, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है, तीसरा सबसे नमक उत्पादक देश है। ठीक है, इसको याद रखना, तीसरा है। भारत में नमक का उत्पादन अधिकतम गुजरात में किया जाता है। गुजरात की सीमा समुद्र से लगती है, जिस कारण तटीय क्षेत्रों में नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ये मकराना, यह एक जगह भी है। देखिए, मकराना राजस्थान में एक जगह का नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल में भी किया गया था। इसको याद रखना, मकराना मार्बल का उपयोग कहाँ किया गया था? ताजमहल में भी किया गया था। अब अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो किस चीज़ के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना सिस्टम चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोंडवाना सिस्टम चट्टाने के लिए। देखिए, यह सिस्टम डक्कन पठार में स्थित है। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? तो किस नदियों से आता है? तो यह है सतलुज और ब्यास से आता है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है। यह नहर पंजाब के हरिके से शुरू होकर राजस्थान के थार मरुस्थल में समाप्त होती है। इस नहर की पहली स्टेज 1983 में पूरी हुई थी। इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इसको याद रखना, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? तो कौन सी नदी? गोदावरी नदी। देखिए, गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी और उड़ीसा से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर करवाया गया है? तो दार्जिलिंग चाय को। देखिए, दार्जिलिंग चाय पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उत्पादित की जाती है। दार्जिलिंग चाय को 2004 से 5 में सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान टैग मिला था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना को पूर्वी कमान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यह शिलांग में स्थित है। देखिए, भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय मेघालय के शिलांग में स्थित है। पूर्वी कमान की स्थापना कब हुई थी? 27 मई 1958 को की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो भारत में तेंदुपत्ता का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? वह है छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। देखिए, तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओक तुसर उद्योग किस राज्य में स्थित है? इसमें पहला पूछा है ना, तो भारत का पहला ओक तुसर उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो पहला मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ओक तुसर का उत्पादन निम्न हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले रेशम कीटों द्वारा किया जाता है। यह कीट हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिव क्रेटर किस स्थान पर स्थित है? शिव क्रेटर किस स्थान पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। देखिए, शिव क्रेटर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इस क्रेटर की अनुमानित परिधि लगभग 500 किलोमीटर है। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये कौन से स्थान पर स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इस अनुसंधान का उद्देश्य कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के संबंध में अनुसंधान करना है। ठीक, अगला देखिए, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है अन्नामुड़ी, जो कि केरल में है। ठीक है, केरल में स्थित अन्नामुड़ी पर्वत केरल में स्थित है। यह दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। अन्नामुड़ी चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथपुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री जगन्नाथ
उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1161 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। देखिए, महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के सिहावा में स्थित है। कहाँ से उद्गम हुआ है? सिहावा पर्वत से। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो कब जारी की थी? 1952 में जारी की थी। देखिए, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, परंतु भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1894 में हो गई थी। 1952 और 1988 में इसमें संशोधन किए गए। अगला देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो यह कौन से स्थान पर स्थित है? देहरादून में। देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? तो चंबल नदी इस ऑप्शन में से कौन से राज्य में से नहीं बहती है? तो वह है गुजरात राज्य से नहीं बहती है। देखिए, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध को थीएम डैम भी कहा जाता है। क्या डैम कहा जाता है? थीएम। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में यह कार्य पूरा हुआ था और इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।